आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल। और दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर मारुति जैसा दिग्गज एक बड़ा प्रमोटर है और मेन प्रमोटर है वो, इंडिया का अकेला प्रमोटर मारुति है। उसके बाद जो दूसरा प्रमोटर है वो जापानीज है। और ये स्टॉक इतना पोटेंशियल रखता है, आप समझ सकते हैं ये एक बहुत ही पैनी स्टॉक है जिसके अंदर मारुति की तकरीबन 7% की होल्डिंग है। 7% की स्टेक मारुति का, यानी कि जो इंडियन प्रमोटर है वो मारुति है और जो बाहर का जापानीज प्रमोटर है वो कंपनी, उसी कंपनी के नाम से इस स्टॉक का नाम भी है। तो इस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा है और ये है आज का करोड़पति शेयर, जो कि आपको अगले लॉन्ग टर्म में हम बात करेंगे। देखिए शॉर्ट टर्म में कोई भी करोड़पति आपको शेयर नहीं बना सकता, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। कम से कम 5 साल का होराइजन आपको रखना पड़ेगा। ये स्टॉक आपको ज़बरदस्त मुनाफा देने की क्षमता रखता है। ऑटो एंसिलरी सेक्टर का स्टॉक है और दो बड़ी दिग्गज कंपनियाँ इसमें शामिल हैं, एक मारुति और एक जापानीज कॉरपोरेशन। तो कौन सा ये स्टॉक है इसके बारे में मैं आपको क्विकली बताऊंगा स्टॉक का नाम। जो लोग केवल स्टॉक का नाम जानना चाहते हैं, प्राइस जानना चाहते हैं, देन वो उसके बाद वीडियो को एंड कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनी के बारे में डिटेल में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं वो कंटिन्यू कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आप लोगों का 2 मिनट का वीडियो हो जाएगा जिन लोगों को अगर केवल स्टॉक का नाम ही जानना है, और जिन लोगों को डिटेल एनालिसिस समझनी है, डिटेल में फंडामेंटल समझें, वो कैरी ऑन कीजिए वीडियो आपका। आगे भी हम आपको और चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों ये कंपनी कोई और नहीं, ये कंपनी है जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड। जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड बेसिकली इसका जो प्रीवियस नेम था, जो अप्रैल तक इसका, एक्चुअली अप्रैल में इस कंपनी का नाम चेंज हो गया था। अप्रैल से पहले इस कंपनी का नाम था सोना कोयो स्टीयरिंग। और इस स्टॉक को भी मैं तकरीबन तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब ये स्टॉक लगभग 35 रुपीज़ का हुआ करता था, 35 से 40 रुपीज़ का, तब से हम इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। और तब से मुझे पता चला था उस वक्त की मारुति की लगभग 7% की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए इसका नाम की बात है, जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड, पूर्वता सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात। ये इनकी एक सूचना है, अतः सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अनुसरण में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एनसीटी ऑफ दिल्ली हरियाणा द्वारा जारी नए निगमन प्रमाण पत्र के अनुसार कंपनी का नाम 7 अप्रैल 2018 को प्रभावी तिथि से सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम लिमिटेड से बदलकर जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। नाम के परिवर्तन की सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE तथा BSE दोनों को दी जा चुकी है। तो जेटेक्ट इंडिया ग्रुप में अब ये कंपनी का नया नाम हो चुका है, बट इसके जो डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, दिस इज द इन्फॉर्म दैट द नेम ऑफ द कंपनी हैज़ बीन चेंज फ्रॉम द सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम लिमिटेड टू द जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड विद इफेक्ट्स फ्रॉम द 7th अप्रैल 2018 एज पर द फ्रेश सर्टिफिकेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी NCT ऑफ दिल्ली एंड द हरियाणा पर्सुएंट टू द सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द सेट चेंज ऑफ द नेम हैज़ बीन नोटिफाइड टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडिया लिमिटेड NSE एंड द BSE लिमिटेड वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, दैट इज़ द नेम चेंजिंग का मैंने आपको बता दिया। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जेटेक्ट इंडिया को। और देखिए जो जेटेक्ट इंडिया, ये इसकी वेबसाइट है, एक जापानीज कंपनी है और इसका जो जॉइंट वेंचर है वो कोयो एंड टोयोटा से है। ठीक है, ये एक जापानीज कंपनी है जेटेक्ट कॉरपोरेशन के नाम से, जिसका लगभग जो स्टेक है लगभग 70% के नियर बाई इसका शेयर होल्डिंग है जेटेक्ट कॉरपोरेशन का, जो कि जापानीज कंपनी है। और आप देखेंगे लगभग 7% स्टेक यहाँ पर जो एनी अदर है, इस एनी अदर में मारुति इंडस्ट्रीज़ है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और ये एनी अदर जो है ये आपके 68.06% जेटेक्ट इंडिया, जेटेक्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, टोटल 75% का स्टेक है इनके पास। एंड लेट सी कि यहाँ पर हम आते हैं, जस्ट अ मोमेंट मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ों को, प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जाते हैं हम लोग। सो प्रमोटर होल्डिंग में जब आप जाएंगे तो आपको दो कंपनियां दिखेंगी, जेटेक्ट कॉरपोरेशन जो कि जापानीज कंपनी है एंड मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बड़ी दिग्गज कंपनी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ी मेजर कंपनी का पैसा लगा हुआ है, स्टेक है, प्रमोटर्स हैं वो इनके, और कंपनी आगे ग्रो करने वाली। तो
जेटेक्ट इंडिया का अभी करंट प्राइस 124.5 का है। इसका जो मैक्सिमम डाउनसाइड जो मुझे नज़र आता है वो मैक्सिमम 115 से लेके 118 के बीच में है, ठीक है। तो आप उसको स्टॉप लॉस बना सकते हैं, 115 को स्टॉप लॉस बना के इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन को बनाइए, 5 साल की होल्डिंग रखिए। यहाँ से आपको लगभग 5 गुना का प्रॉफिट ये कंपनी देने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज रखती है, यानी कि तकरीबन 500 रुपीज़ से भी ऊपर निकलने के चांसेज रहेंगे अगले 5 से 6 सालों में जेटेक्ट इंडिया के प्राइस में। ओके, ये जेटेक्ट कॉरपोरेशन है जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है। कोयो जो कि बियरिंग की एक बड़ी कंपनी है, द कंपनी द टेक्नोलॉजी हैव बीन मेचर्ड टू बाय द जेटेक्ट इज द बिगनिंग टू टेक नोट इन द एवरी फील्ड इंक्लूडिंग द विद द पावर जनरेशन, रेलवेज, एरोनॉटिक्स, स्टील, सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ वगैरह। तो जेटेक्ट बेसिकली बियरिंग की कंपनी है, एक जानी मानी कंपनी है। टोयोटा मशीन टूल्स और मैकेट्रॉनिक्स बनाती है, मशीन टूल्स एंड मैकेट्रॉनिक्स बनाती है, एंड जेटेक्ट जो है वो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की एक कंपनी है। तो ये आप देख सकते हैं जेटेक्ट ने कोयो बियरिंग और टोयोटा के साथ एक टाई अप किया था, और उसके हिसाब से आप लोगों यहाँ देख सकते हैं जेटेक्ट कोयो एंड टोयोटो, तो ये एक जॉइंट वेंचर कंपनीज है, ठीक है। और इंडियन यूनिट जो है वो जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड है, जो कि अभी वेबसाइट एक्चुअली अभी बन रही है, कमिंग सून में है। इसके अभी स्टीयरिंग बियरिंग जो भी है, इसके प्रोडक्ट बेस है वो अभी आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में साइट है, इसकी बीटा वर्जन है ये साइट का। जेटेक्ट कॉरपोरेशन जापान के कंपनी है, एंड जेटेक्ट कोयो टोयोटा। तो ये कंपनी का मैंने बताया कि कौन इसका मेन ओनर है कंपनी का, मेन ओनर दो ही है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और दूसरा जेटेक्ट कॉरपोरेशन जापान। तो ये दो बड़ी कंपनी इस छोटी सी कंपनी के ओनर, और ये पैन स्टॉक आपको केवल 124 रुपीज़ में इस वक्त अवेलेबल है। इसके अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे हम लोग, सो गाइस आइए फंडामेंटल्स को हम लोग देख लेते हैं। फाइनेंस इसके पब्लिक होल्डिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि पब्लिक होल्डिंग में 25% कौन स्टेक ओन कर रहा है, एंड ये लोग पब्लिक होल्डिंग में नॉन रेजिडेंट इंडिया NRIs हैं, फॉरेन नेशनल थे, क्लियरिंग मेंबर्स, बॉडीज कॉर्पोरेट एंड IEPF एंड जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड, अनक्लेम्ड शेयर सस्पेंस अकाउंट है ये, 1.57% का स्टेक पड़ा हुआ है। फाइनेंशियल्स को चलेंगे तो आपको मैं फाइनेंशियल्स भी दिखा देता हूँ, एंड ओल्ड फॉर्मेट में जाते हैं, वहाँ पर हम आपको डेट के बारे में बताऊँगा। एंड ओल्ड फॉर्मेशन में आप जाएंगे तो टोटल जो लगभग है 172 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी का, 317 करोड़ के आसपास की कंपनी की टोटल नेटवर्थ है। एंड टोटल नेटवर्थ के अलावा जो रिज़र्व है 297 करोड़ के रिज़र्व है कंपनी के, और बाकी इन्वेस्टमेंट लगभग 33 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। नेट ब्लॉक 413 करोड़ के आसपास का नेट ब्लॉक है। बाकी बुक वैल्यू 15.98 के समय बुक वैल्यू चल रही है। टोटल जो एसेट है कंपनी का वो 490 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फंडामेंटल, जो बेसिक बैलेंस शीट की कितना डेट है कंपनी के ऊपर। उसके अलावा आप देखेंगे जो सेल्स रही है इनकी 2018 में वो लगभग 1212 करोड़ की सेल्स है कंपनी की, मार्च 17 से भी ज़्यादा है। और पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो जो सेल्स है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है कंपनी की, 1000 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़, यानी कि लगभग 200 करोड़ सेल्स इंक्रीज़ हो चुकी है कंपनी की। स्टिल बोथ द कंपनी जेटेक्ट कॉरपोरेशन एंड मारुति सुजुकी इंडिया दोनों ही काफ़ी फोकस कर रही हैं इस कंपनी के ऊपर, और आगे फ्यूचर प्लान्स भी काफ़ी बेहतर हैं इस कंपनी के प्रमोशन के लिए। रस्ट अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिट है लगभग 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है कंपनी का 2018 में, जो कि लास्ट ईयर केवल 33 करोड़ के आसपास ही था। तो लगभग 17 करोड़ का प्रॉफिट राइज किया है 2018 में कंपनी का। अदर इनकम 2.55 करोड़ की है, और एक्सेप्शनल आइटम कोई से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। साथ ही क्वार्टरली नंबर्स भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। क्वार्टरली नंबर में जून में लगभग 310 करोड़ के आसपास का 312 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स था, लास्ट जून में 293 करोड़ का सेल्स था, और मार्च 18 में 323 करोड़ का सेल्स था। साथ ही अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 18 करोड़ का रहा है जून 18 में, और जबकि जून 17 में केवल 8 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट था कंपनी का। साथ ही मार्च 18 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 21.38 करोड़ था, ठीक है। लेकिन जून 18 के अगर आप देखेंगे तो जून 18 में अदर इनकम लगभग 9 करोड़ के आसपास है, ड्यू टू विच की जो इनका जो प्रॉफिट है वो इस जून में 18 करोड़ हो गया, अदरवाइज इनका प्रॉफिट लगभग 9.5 करोड़ के आसपास था मार्च जून में, अगर हम अदर इनकम्स को हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। बट ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, स्लो मूविंग कंपनी है, स्लोली मूव कर रहा है बट कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है स्टॉक। कहते हैं कि
ज़्यादा बेहतर है कि एक स्टॉक में कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, रादर कि वो सडन अप एंड डाउन के जर्व दिखाए, उससे अच्छा है कि वो धीरे चले लेकिन कंसिस्टेंट मोड में बेटर परफॉर्मेंस के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्राउंड पे यू नो राइज करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते रहता है प्राइस, वो हमें सुखद अनुभूति देता है क्योंकि हमें पता होता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी सेफ है। और सोनो कोएंट स्टीयरिंग यानी कि जो जेटेक्ट इंडिया के नाम से अब लिमिटेड के नाम से ये स्टॉक लिस्टेड है, इसमें पैसा जो है वो बहुत हद तक सुरक्षित है क्योंकि इसकी जो चाल है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, वो स्टडी मोड में राइज करता है और आपका पैसा धीरे धीरे लेकिन हमेशा बढ़ाता रहता है और आने वाले समय में भी आपके पैसे को ये कई गुना तक लेके जाने की पूरी क्षमता रखता है। लगभग 74 का EPS रहा है जून में, 0.74 का। एंड ईयरली अगर EPS की बात करते हैं स्टॉक की, तो लगभग EPS आप देख सकते हैं स्टॉक इस कंपनी का जो EPS है लगभग 1.63 है, ठीक है। तो ये आपका जेटेक्ट इंडिया के बारे में हमने आपसे बात की। इसके अलावा इसकी वेबसाइट को हमने आपको दिखाया, बट टेक्निकली जरूर मैं जेटेक्ट इंडिया के बारे में बात करूँगा। सो जेटेक्ट इंडिया बहुत जल्दी से मैं आपको टेक्निकल लेवल्स को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल लेवल्स डेली चार्ट में, इसका जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है 118 का, 118 इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल और इसको आप मेंटेन कर रख सकते हैं। आप चाहें तो 2-1 रुपये और नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, बट स्टॉक इज़ ओवरऑल वेरी गुड। अगर छोटे मोटे करेक्शन मार्केट के साथ आता तो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म जर्नी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज़ इंटैक्ट और वो बहुत ही शानदार होने वाली है। कंपनी की बड़े प्रमोटर्स का पैसा लगा है कंपनी के अंदर, सो ओवरऑल पैनी प्राइस में ये स्टॉक अवेलेबल है आपको। एक पैनी बहुत ही छोटी सी कंपनी है। अब आप कहेंगे पैनी कंपनी कैसे है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जेटेक्ट इंडिया की जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 2400 करोड़ के आसपास की है। आप देख सकते हैं केवल 2485 करोड़ की मार्केट कैप है जेटेक्ट इंडिया की, जबकि मारुति सुजुकी की अगर हम बात करते हैं तो जो मार्केट कैप है 2,42,858 करोड़ है। तो यानी कि 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी एज ए प्रमोटर है एक ऐसी कंपनी में जिसकी मार्केट कैप खुद ही 2,500 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पैनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट हो रहा है जेटेक्ट इंडिया, और इसमें आपका निवेश मल्टी बैगर और मल्टी फोल्ड रिटर्न देने की क्षमता रखता है और आपको अमीर और ज़्यादा अमीर बनाने की भी क्षमता रखता है। बट उसके लिए आपको पेशेंस, धैर्य और कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही रेगुलर वे में, बहुत ही वेल मैनेज्ड वे में होना चाहिए, रादर कि आप लोग एकदम से बल्क में एडिंग कर लें। आप लोग मंथली 100 या 200 शेयर्स की SIP लगाइए और अगले 5 साल के लिए उस SIP को कंटिन्यू कीजिएगा। डेफिनेटली लाखों रुपए के मालिक आप बन चुके होंगे इस जेटेक्ट इंडिया के माध्यम से। सो दोस्तों, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं इस कंपनी के बारे में तो आप लोग मुझे वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपके सुझाव हैं या कुछ भी आपके पास नया है इस कंपनी के बारे में तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा, साथ ही मेरी मेल ID पर मेल भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जो लोग पहली बार चैनल पर आए और अगर आप चाहते हैं अच्छे शानदार और स्ट्रॉन्ग मल्टी बैगर पिक्स अगर मैं आपके साथ राइट टाइम पर शेयर करूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और समय रहते स्टॉक के बारे में आइडेंटिफिकेशन लेने के लिए या उनकी जानकारी लेने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट जैसे मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँगा तुरंत ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। सो आज के लिए इतना, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ और फेवरेट स्टॉक के साथ, कुछ और मल्टी बैगर पिक्स के साथ, कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जिससे आपको लाभ होगा और सिर्फ लाभ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।